बच्चों आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट सेकंड बुक पढ़ेंगे और सेकंड बुक में को खंडखा कहा गया है। फर्स्ट बुक को खंडखा कहा गया है। तो खंडखा में द्रव्य के स्थूल अवस्था में द्रव्य के गुण पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज ठोसों के कुछ गुण पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता ये पदार्थ का एक गुण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग यूँ समझ लेते हैं कि पहले मान लीजिए अपने पास रबर की बॉल है, इसको अगर हम इसके पृष्ठ के अवलंबवत बल लगाएं तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसका आयतन कम हो जाता है, और जैसे ही इस बल को हटाएंगे वैसे ही फिर से ये पूर्व अवस्था में लौट आएगी बॉल। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इस तरह से स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम दबाएं तो स्प्रिंग सिकुड़ जाती है, और जैसे ही ये स्प्रिंग पर लगाया गया बल हटाएंगे स्प्रिंग फिर से पूर्व अवस्था में आ जाएगी, और अगर हम स्प्रिंग को खींचें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और जैसे ही बल हटाएंगे वैसे फिर से ये पूर्व अवस्था में आ जाएगी। तो ये पदार्थ में गुण पाया जाता है। इस जो बल वस्तु पर लगाए जाने पर उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, अर्थात उसकी आकृति में बदलाव कर देता है, उसको कहते हैं विरूपक बल। तो ये जो बाह्य बल है इसका नाम है विरूपक बल। विरूपक बल, तो ये बाह्य बल जो होता है उसको कहते हैं विरूपक बल। अब यहीं से इसकी परिभाषा बनती है। अब देखिए विरूपक बल लगाए जाने पर आकृति में परिवर्तन हुआ, और विरूपक बल जब हटा लेते हैं तो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का कारण ये है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के परमाणुओं और अणुओं के बीच एक ऐसा प्रतिक्रिया बल उत्पन्न हो जाता है जो इस विरूपक बल का विरोध करता है। जैसे ही विरूपक बल हटाते हैं ये अपनी पूर्व अवस्था में उसी आंतरिक प्रतिक्रिया बल के कारण या प्रतिक्रिया बल के कारण पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इस पदार्थ के अंदर उत्पन्न इस प्रक्रिया बल को बोलते हैं प्रत्यानन बल या आंतरिक प्रक्रिया बल। तो यहीं से डेफिनेशन बनती है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगाए गए विरूपक बल से उत्पन्न आकृति या रूप में परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल हटा लिए जाने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो यह प्रत्यास्थता की परिभाषा। अब ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें ये गुण पाया जाता है उनको कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु में, उनको सबको कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। ये सारी की सारी प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं। अब प्रत्यास्थ वस्तुओं को दो पार्ट में बांटा गया है। प्रत्यास्थ वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं और एक पूर्ण सुघट। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वे होती हैं जो विरूपक बल हटा लिए जाने पर पूर्णतः अपनी पुरानी मतलब पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, वो कहलाती हैं पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। जैसे आपका क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहा गया है। क्वार्ट्स है, हाथी दांत से बनी वस्तुएं हैं, हाथी दांत की वस्तुएं। और एक है फास्फर ब्रांज। फास्फर ब्रांज भी जो होता है वो भी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु में तो आता है। तो ये तीन चीजें हैं, इनको पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु में माना गया है। मतलब ये कि इन वस्तुओं में जब विरूपक बल लगाया जाता है तो इनके आकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं ये अपनी पूर्ण पूर्व अवस्था को ग्रहण कर लेती है। इसी तरह से पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु में क्या होती है, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु में वो होती हैं जिन पर विरूपक बल लगाए जाने पर जो विकृति उत्पन्न होती है और विरूपक बल हटा लिए जाने पर वो उसी विकृति अवस्था में पड़ी रहती है, उनको कहते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं या पूर्ण सुघट बोला जाता है, परफेक्टली प्लास्टिक बोला जाता है। तो उसमें से आता है मोम। जैसे मोम है मान लीजिए इस तरह से, और मोम को आप अगर बल लगाकर दबा दें इस तरह से तो मोम का साइज इस तरह से आकृति हो जाएगा, और विरूपक बल यदि हटा लें तो वह पूर्ण अवस्था में नहीं रहेगी बल्कि इसी अवस्था में पड़ी रहेगी, इसी तरह से जो पोजिशन ग्रहण कर लेगी उसी में पड़ी। तो इसी तरह से मोम है और आपकी गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में भी अगर आप बल लगाएं विरूपक बल लगाएं तो वह दब जाएगी और बल हटा लेने पर वह दबी हुई अवस्था में रहेगी, अर्थात विकृति अवस्था में ही पड़ी रहेगी। तो ये वस्तुएं जो हैं वो कहलाती हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट वस्तुएं। तो इस तरह से जो प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं वो दो पार्ट में। अब
सारी वस्तुएं ना तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती हैं और ना ही पूर्ण सुगठ होती हैं, दोनों इसी सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती हैं। और मोस्टली जो ठोस वस्तुएं उनको दृढ़ वस्तुएं कहा जाता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा विरूपक बल लगाए जाने पर कोई खास परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबल के बारे में, इसी में प्रतिबल पढ़ेंगे। तो प्रतिबल पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, उसको हम किसी दृढ़ आधार से इस तरह से लटका दें और जिसकी लंबाई कैपिटल L है और इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है ये वाला। अब इस तार में हम लोग इसकी लंबाई के अनुदिश बल लगाएं या भार लटकाएं तो क्या करेगा, तार की लंबाई में वृद्धि कर देगा। ये लटकाया गया भार या बल को भी कर लीजिए, यह बराबर एम जी, अगर एम बार लटका रहे हैं तो ये तार की लंबाई में इतनी सी वृद्धि हो जाएगी। अब तो जब हम लोग किसी तार में इस तरह से एक सिरे को दृढ़ आधार से लटका कर दूसरे पर बल लगाते हैं तो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो होता क्या है, जब विरूपक बल लगाते हैं तो इसके अंदर एक प्रक्रिया बल, इसको आंतरिक प्रक्रिया बल कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है और साम्यावस्था में जो आंतरिक प्रक्रिया बल है ये लगाए गए विरूपक बल के ठीक बराबर होता है। अब हम लोग इस आंतरिक प्रक्रिया बल से मतलब रखेंगे। इसी तरह से अगर हम किसी रबर की बॉल पर फोर्स लगाएं, उसके पृष्ठ के अवलंबवत इस तरह से उसको दबाएं विरूपक बल लगाकर, तो इसका आयतन कम हो जाएगा। तो वी माइनस डेल्टा वी मान लीजिए, तो इसमें आयतन में कमी आती है, इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से और भी, जैसे घनाभ के आकार की मान लीजिए कोई वस्तु है इस तरह से, और इस पर अगर हम इस पर शरीर की बल लगाएं, इस पृष्ठ को स्थिर कर दें नीचे वाले पृष्ठ को, तो देखते हैं कि ऊपरी पृष्ठ तो खिसक जाता है आगे को, लेकिन ये पृष्ठ नहीं खिसकता। अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो अब यहाँ पर जो एफ बटे ए सब में बनेगा, जैसे यहाँ पर एफ बटे ए बनेगा उसको प्रतिबल कहेंगे, इसमें भी एफ बटे ए को, जहाँ पर ए पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको एफ बटे ए को प्रतिबल कहेंगे, और यहाँ पर भी एफ बटे ए को प्रतिबल ही कहा जाएगा। तो प्रतिबल की परिभाषा है कि पदार्थ के अंदर एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल, तो एकांक क्षेत्रफल अगर ए है तो ये नीचे हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल एफ है तो एफ हो जाएगा। तो प्रतिबल का ये फार्मूला होता है मेन। तो अब बल लगाए जाने के आधार पर प्रतिबल को तीन भागों में बांटा गया है। तो जब लंबाई में वृद्धि करता है की जाती है तो उस प्रतिबल को कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इस वाले प्रतिबल को जो इसमें या बटे आएगा उसको कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये हो जाएगा, इसका सूत्र वही या बटे ए ही है। इसी तरह से इसमें जब हम बल लगाते हैं, जब आयतन में परिवर्तन हो जाता है बाय बल लगाने से किसी वस्तु में, तो इस प्रकार के प्रतिबल को बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, तो ये दूसरे प्रकार का प्रतिबल होता है, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। एफ बटे ए एरिया पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इस वाले में जो एफ बटे होता है उसको बोलते हैं विरूपक प्रतिबल या स्पर्शरेखी प्रतिबल। विरूपक प्रतिबल, इसमें भी एफ बटे, तो एफ बटे ए सब में रहेगा, इसमें भी एफ बटे रहेगा, इसको विरूपक प्रतिबल कहा जाता है या स्पर्शरेखी प्रतिबल भी कहते हैं। स्पर्शरेखी प्रतिबल, तो ये तीन तरह के प्रतिबल होते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब तार की लंबाई में वृद्धि होती है, अभिलंब प्रतिबल जब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, और जब किसी घनाभ या घन के आकार की वस्तु में किसी एक पृष्ठ को स्थिर कर दूसरे पृष्ठ पर या किसी अन्य पृष्ठ पर स्पर्शरेखी बल लगाते हैं, तो स्पर्शरेखी दिशा में इसका विस्थापन हो जाता है ऊपरी पृष्ठ पर, लेकिन आयतन में कोई चेंज नहीं होता, तब विरूपक बल कहा जाता है, विरूपक प्रतिबल कहते हैं इसको, स्पर्शरेखी प्रतिबल भी कहते हैं। तो इस तरह तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं। अब इसमें जो ये जो अभिलंब प्रतिबल होता है या पटे, इसको कहा जाता है दाब परिवर्तन, क्योंकि इसमें जब किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत, मान लीजिए कोई इस तरह से कोई भी किताब है उसके ऊपर हम लोग इस पृष्ठ पर अभिलंबवत ऐसे बल लगा दें और इसका क्षेत्रफल ए हो, तो या बटे ए इसमें दाब कहा जाएगा, इसलिए अभिलंब प्रतिबल को दाब पी से कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग आयतन, सॉरी विकृति, विकृति के बारे में।
तो विकृति के बारे में, विकृति माने आकृति में परिवर्तन या आयतन में परिवर्तन, वो सब विकृति कहलाते हैं। यानी विरूपक बल से जो भी आकृति में बदलाव होता है उसको कहते हैं विकृति। तो अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, विकृति। तो विकृति जो होती है वो जैसे एकांक लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है तो ये विकृति कहलाएगी। इसी तरह से एकांक आयतन में परिवर्तन होता है उसको भी विकृति कहा जाता है। और जो स्पर्श रेखा की दिशा में जो ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन था और स्थिर पृष्ठ से उसकी जो दूरी थी उसको भी विकृति कहा जाता है। तो इस तरह से तीन तरह की विकृति भी होती है जो लगाए गए प्रतिबल के, लगाए गए विरूपक बल के आधार पर उत्पन्न होती है। तो इसकी विकृति की डेफिनेशन ये होती है, किसी पदार्थ के आकृति एकांक आकृति में परिवर्तन को विकृति कहा जाता है। तो ये सिंपल से डेफिनेशन है, एकांक आकृति में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अब यहाँ पर विकृति का कोई मतलब नहीं होता। तो विकृति जो है एकांक आयतन में परिवर्तन को विकृति कहा गया, तो इसमें अगर लंबाई में वृद्धि या संकुचन डेल्टा एल है तो डेल्टा एल बटे एल कहा जाएगा। तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल से जो विकृति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। तो इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे पहले वाले को, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बटे एल। कुछ लोग इसको आयतन में परिवर्तन, सॉरी लंबाई में परिवर्तन को एल से लिखते हैं, प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल एल से, तो ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग अनुदैर्ध्य विकृति को। दूसरा, यदि एकांक आयतन में परिवर्तन है, जब पृष्ठ पर हम अवलंबन बल लगाते हैं तो उसको बोलते हैं आयतन विकृति। तो दूसरे प्रकार की जो अवलंब प्रतिबल से उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आयतन विकृति। तो आयतन विकृति का फार्मूला हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन टू, और इसको बोलते हैं अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो इस तरह से तीन प्रकार की विकृति होती है। यह आ जाएगा आपका x अपॉन l, इसको थीटा से लिखते हैं। x जो है, x स्पर्श रेखी बल की दिशा में ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन है और l स्थिर पृष्ठ से उस पृष्ठ की दूरी है। तो इस तरह से तीन विकृतियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने जो विकृति के जो फॉर्मूले लिखे हैं, तो एकांक लंबाई में एकांक आयतन में परिवर्तन और ये एकांक लंबाई में जो विस्थापन है उसको कहा गया। यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं बनेगा क्योंकि इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर मीटर, तो दो सब कट जाएंगे। तो इसका कोई, तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना। अब इसके पहले जैसे प्रतिबल का मात्रक बताना भूल गए, तो प्रतिबल का, हर एक प्रतिबल का, तीनों प्रतिबलों का सूत्र था एफ बटे, तो एफ बटे के हिसाब से मात्रक बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल कहलाता दाब का मात्रक होता है। और इसकी अगर बीमा लिखेंगे तो आ जाएगा एन एल माइनस वन ई माइनस टू। और अगर विकृति की कभी बीमा लिखने को आए तो विकृति की बीमा हो जाती है एल की पावर जीरो। तो इस तरह से हम लोगों ने पदार्थ के प्रत्यास्थता गुण को समझा। प्रत्यास्थता गुण क्या होता है, उसके बाद लगाए गए बलों के आधार पर प्रतिबल क्या होते हैं और फिर कितनी विकृतियाँ होती हैं। तो तीन तरह के प्रतिबल होते हैं, तीन तरह की विकृति होती है। तो ये है आपका प्रत्यास्थता के बारे में जानकारी।